मॉर्निंग फैमिली, सो आप लोग कैसे हो? ये रही मेरी संडे की मॉर्निंग एंड आज फूल बिल्कुल भी नहीं मिला, सो मैंने शिव जी को फूल नहीं चढ़ा भाई, बट और जो करना था वो मैंने किया। तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग का संडे अच्छा ही जाएगा और हमारा भी अच्छा जा रहा है। पर आप लोग बहुत लकी तो मैडम की बातें सुन लो। आप बहुत लकी है कि आपको सुबह सुबह कृष्ण जी और शिव जी की कृपा मिलती है, सुबह सुबह एकदम इन द मॉर्निंग। हमारा पूजा हो गया और मैं उठती हूँ, खुशबू ब्रेकफास्ट। आ रही है? हाँ, रोज की खुशबू है। मैंने सोच लिया था ब्रेकफास्ट कुछ नहीं। बनाने के लिए, और ये मैडम को मैंने दिया है काम कि अपनी अलमारी साफ करो। और आज मैं सारे कितने भी कपड़े मेरे पास वो भी गिनूंगी, सो ट्रेडिशनल ड्रेसेस मेरे पास नो है तो आउटगोइंग। ये कपड़े देखो सारा फोल्ड कर रही हैं, पूरी अलमारी का कपड़ा ही निकाल दिए हैं, फोल्ड कर रही हूँ। संडे को एक दिन थोड़ा बहुत सफाई होनी चाहिए अपने कबर्ड की, डेली तो ये पड़ती ही रहती, तो वही है। तो कपड़े कर रही हैं। आज फ्रॉक पहन लो, ये स्लीवलेस वाला, ठीक है उसके नीचे इनर जो छोटा इनर होगा ना वो डाल लेना। शर्ट पैंट ना। वो तो शॉर्ट्स हो गया ना। तो ये चल रहा है, देखती हूँ अभी ब्रेकफास्ट में क्या बनाती हूँ। आटा गूंद के हाँ रख, बोलो। टॉवेल बोल, सोफा पे है, बोल दो सोफा पे है। बाथरूम में घुसते हैं तो उनको टॉवेल दे दो, तो ये दे दो वो दे दो, दिमाग की स्वेलिंग सी हो जाती है ना। बहुत तेज धूप हुआ है तो आज संडे है तो कुछ एक्स्ट्रा काम होता ही है घर का, जैसे कि सफाई में ही एक्स्ट्रा काम होगा। पंखे मुझे गंदे लग रहे हैं तो पंखे ही साफ करूंगी मैं। पंखे जा रही हूँ साफ कर ले, फिर नीचे जाती हूँ क्योंकि आटा गूंथ के रखी हूँ, आलू पराठे ब्रेकफास्ट में बनाने जा रही हूँ। और देखते हैं आगे क्या होता है। अभी थोड़ा नाप ले रही थी, नाप लेने के बाद उनकी हालत देख भाई, आंखों में पूरा पानी, नाक एकदम जाम, हालत एकदम खराब है। सर्दी हो गई है, बाकी सब बराबर है, जैसा भी फतरा है। दादी भी घर पे नहीं है, अभी काफी टाइम उतना नहीं हुआ है, पर सुबह से सुबह नहीं में हुआ, ठीक था थोड़ा, सुबह में नहीं हुआ था, सुबह में दोपहर से शायद हुआ है ना। सुबह में ठीक था, ठीक ठाक ही था, उतना नहीं था लेकिन अभी पूरा जकड़ लिया। हाँ, जब से काम करके उठे हो हाँ, ना, पानी में काम किया ना तो और पूरा ठंडी ही रहती है। पता उस दिन से विटामिन सी भी नहीं खा रहे हो। नहीं मेडिसिन कहाँ रखा, मुझे याद ही नहीं आ फिर रहा है। उस दिन आपने लिया था, उसके बाद नर्सिंग पे घर ही रख दिया था, उसके बाद आज तक मिला ही नहीं वो। याद नहीं आ रहा कहाँ रखी हूँ मैं, मुझे खुद ही नहीं याद आ रहा। देखो भाई, यहाँ पे विक्स रखा हुआ है, यहाँ पे ड्रॉप है, वहाँ पे इनहेलर है, पर फिर भी इनका कुछ नहीं काम कर रहा। झंडू बामडू थोड़ा सूंघ लो, झंडू बाम बहुत जलता है, तो सूंघ लो, सूंघ लो, वैसे नहीं मत, सुनने को तो ये भी सुन रही है ना। वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो देती हूँ मैं आपको। तबीयत ज्यादा खराब हो, तबीयत खराब जो खा हो गया वो बहुत ही ज्यादा। और मैं अभी बना रही हूँ मिक्स पालक बथुआ और सरसों के साथ, और इसके लिए मैंने आपको दिखाती हूँ। गुन रही हूँ क्योंकि बेसन डालते, मेरी बहन ने बोला कि इसमें बेसन डालना, तो बेसन 2 चम्मच भून रही हूँ। एंड ये पालक को बथुआ और सा और क्या सरसों को बॉयल करके रखा है मैंने। अभी रहा प्याज लहसुन अदरक और मिर्ची, अभी नहीं है अभी ऐड करती हूँ। प्याज को तड़का दूँगी, प्याज और जीरे का तड़का दूँगी, लहसुन मिर्ची अदरक को क्रश करूँगी, तो दिखाती हूँ मैं आपको। क्रश कर लेती हूँ प्याज अदरक लहसुन को, हो गया मेरा। यहाँ पे प्याज और जीरे का तड़का दे दिया मैंने, अब ये मैंने क्रश भी कर लिया था तो मैं इसको इसमें ही डाल देती हूँ।
इसमें मैंने टमाटर, इसमें मैंने टमाटर की ग्रेवी में डाल दिया, लहसुन अदरक जीरा। अब मैं इसमें मसाले डालूंगी, मसाला कुछ खास नहीं डालना है आपको। नमक डाल दिए, हल्दी डाल दी, ये गरम मसाला थोड़ा डाल दिया, वन स्पून सुबह इसको मिक्स कर देंगे। इसको थोड़ी देर पकने देते हैं। मसाला अच्छे से पक गया है। अभी मैं ये पिसा हुआ पालक सारे साल इसमें मैं डाल दूंगी। अभी मैं इसको मिक्स करके अब इसके बाद से जो मैंने ये बेसन भून के रखा था ये भी डाल देती हूँ साथ में। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। कैसे मैंने मिक्स कर दिया, पक भी गया, और इसमें मैंने 4 चम्मच दही लिया, इसको अच्छे से फेंट लिया है मैंने। अब मैं इसको इसमें ऐसे डाल दूंगी। इसको डालने के बाद से इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ। और थोड़ा कैमरा हिलता होगा बिकॉज मैंने खुद पकड़ा है, क्योंकि स्टडी कर रही हैं, सो मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया कि मैं अपने काम के लिए उसको क्यों डिस्टर्ब करने जाऊँ। ये मेरी मिक्स पालक सरसों बथुआ की साग बिल्कुल तैयार है, और खाने के लिए आ जाओ, जिसको जिसको आना है आ जाओ। मिक्स मस्त बना है। अभी मैं प्लेट लगाऊंगी, फिर आपको बताती हूँ। फाइनली साग बन गया मेरा, आटा भी गूंथ गया, आटा भी गूंथ गया। आज मैंने आटा नहीं गूंथा, आज मेरे हस्बैंड ने आटा गूंथा। अभी बात मेरी जो हालत है ये कर दे रही हूँ, वही वही बात। अभी बनाऊंगी रोटियां, मैं चलूं बर्तन धो लूं। बहुत ज्यादा बर्तन हो गया मेरे घर में, बर्तन धोना पड़ेगा। कैसा बना जो तड़का दे लगे, वैसे देखना तो कैसा लग रहा है बिना तड़का का। नमक भुना वाला क्या कम है? और क्या है? इसकी आवाज सुनिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कड़कड़ कड़कड़ की आवाज करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। ये तैयार, अब मैं इसको तड़का दे दी। अब खाते वक्त जिसको लगेगा तो और घी ले सकते हैं। तो ये रहा, तो ये मेरा मक्की साग कैसा है प्लीज कमेंट में बताना। फाइनली गाइस मेरा प्लेटिंग हो गई। ये रही मेरी पालक की सब्जी। सच में अभी मास्टर शेफ देख देख के ना प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान देना पड़ रहा है। ये रही रोटी, मक्के की रोटी नहीं है, आटे की रोटी, क्योंकि मक्का यहाँ पे मिलना मुश्किल है, ढूंढना भी नहीं मैंने, ढूंढने को मिल जाता है बट ढूंढना नहीं मैंने। तो ये रही मेरी प्लेटिंग कैसा बनी है, खाने के बाद पता चला।
खाना खाने के लिए ये मैंने यूज करने लगी हूँ मैं, इसमें रोटी, ये साग, ये मेरी प्लेट। खाना खाने बैठे, खाना खाने के बाद देखते हैं किसका क्या रिएक्शन रहता है, कैसे कैसे बना है। तो किसको थैंक यू बोलोगे, मेरे को या मासी को? मासी को। हाँ मेरे को बोलो, उनको क्या बोलो? पालक भी कल छटा गया था? नहीं क्या पूछो, ये मेरे सामने क्या छाट रही थी? काट रही होगी, छाट नहीं रही, कल ही सब छटा गया। काटे बनाई थी छाटा, फिर मैंने ही बताया कि पीस के बनाओ। अच्छा पीस के पीस ऐसा बनाओ, मेरा सबसे ज्यादा 60% मेरा है, बाकी 40% में जिसको जो चाहिए। 20% मासी ले लो, 20% आप ले लो। मेहनत इतना किया, इतना जुखाम है, सब कुछ है, फिर भी मैंने इतनी मेहनत किया तो 60% ले रहे हैं, 20% आप ले लो, 60% के ले रहे हैं, एक पैसा नहीं मिलेंगे इनको। सो गाइस फाइनली सब कुछ हो गया, मेरा ब्लॉगिंग तो एंड करना ही था, जिसकी वजह से इतनी बुरी हालत में भी ब्लॉगिंग कर रही हूँ, मेरी आंखें देख सकते हो। और ये डाल के रखती हूँ ना ऐसे, तो जिसकी वजह से मुझे ना बाहर से थोड़ी सी भी आवाज़ आ रही है ना, तो बहुत सारी छींके एक साथ आने लगे, तो सर में दर्द हो जा रहा है मेरे, तो इसकी वजह से। ऐसे करके मुझे कोई बीमारी नहीं है कि मुझे बीमारी नहीं है, बस वो पहले तो क्या पॉडली होता था, अभी वीकली हो रहा था, थोड़ा सा सही है, कल तक सही हो जाएगा। आई होप शंकर जी का पानी लगाया, आई होप कल तक सही हो जाए। और आज मैंने खाना अच्छा बनाया था, बहुत ही अच्छा बनाया था, सबको बहुत पसंद है, सबने दो दो रोटी एक्स्ट्रा ही खाया आज। लिटरली वो लड़की जो पालक छूटी नहीं था, जो जिसने पूरा साग, वो पालक नहीं खाती थी, तो उसने आज पूरा पालक खाया और उसने बोला मुझे कल के लिए भी रखो, तो उसके लिए ज़्यादा बनाया था मैंने, एक्चुअली हम तीन बंदे हैं तो खाना ज़्यादा ही बन जाता है, तो वही था। और मेहनत मैंने करी और क्रेडिट कोई और ले जाए। तो कोई नहीं, इट्स ओके, चलता है यार, ये तो जस ऐसी है, क्रेडिट सबको पता है, उनको नवीन को भी पता है कि हाँ मैं मजाक कर रहा हूँ, तो कोई नहीं, हस्बैंड वाइफ में सब चलते रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और आज की ब्लॉगिंग कोई खास नहीं रहेगी, लेकिन हाँ पर डे का है तो मैं डालती रहती हूँ, कोई बोलेगा क्या इतना ज़रूरी है क्या, कि हाँ मेरा काम है तो मैं डालती हूँ, लोगों को कुछ फ़र्क पड़ता है तो आके मुँह पे बोले, मैं डालूँगी, बीमार रहूँ या रो, पर डे का मैंने यूट्यूब जब ब्लॉगिंग कर लिया है तो निखरना भी पड़ेगा, अगर मैंने ब्लॉगिंग चालू किया है तो मुझे निखर के बाहर आना भी पड़ेगा, कि मुझे दिखाना ही पड़ेगा रोज़, क्योंकि हाँ मैं क्या कर रही हूँ, कैसी हूँ, जो इंटरेस्ट ले रहे हैं वो देखेंगे, जो नहीं ले रहे हैं तो उसको तो मैं ज़बरदस्ती तो बोल नहीं रही हूँ कि देखो, नहीं ना आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होती होगी, मैंने नाक ढका हुआ, एक्चुअली ऐसे करूँगी ना थोड़ा सा भी जा रहा ना छींकना चालू हो जा रहा, तो इसकी वजह से ऐसे कर, चलो यहाँ तक कर लेती, इतना ही सिर्फ ऐसे कर लेते हो। सो मेरी ब्लॉगिंग आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, देखो यहाँ पे देखो कितने सारे पड़े हुए झंडू बाम है, ये है नोजर ड्रॉप है, सब कुछ रखी हूँ, हर इस पर लगा के, अभी मुझे एक और मेडिसिन खाने है 9 बजे। तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ऐसी हालत में भी ब्लॉगिंग बना रही हूँ, प्लीज़ सपोर्ट करो मेरे चैनल को, एंड थैंक यू सो मच, आप लोग करते ही हो, सो थैंक यू सो मच।